वेलकम टू टागे विदेश है दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है दिनांक 14/8/2023 को, मतलब आज ही, और ये UPPSC की तरफ से जारी किया गया है। और ये सहायक नगर नियोजक परीक्षा, मतलब इस विज्ञापन का नाम है सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023, और इसके आवेदन 14/8/2023 से, मतलब आज से स्टार्ट हो गए हैं। अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की वो 14/9/2023 है, और शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि 14/9/2023 है। तो इसमें PET का कोई रोल नहीं है, आप लोग पूछेंगे, सवाल करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें PET का कोई रोल नहीं है। PET आपने दिया हो या ना दिया हो, आप लोग अगर इसकी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है अभी बताऊँगा, आगे एक एक करके पूरी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर इसमें PET तो जरूरी नहीं है, लेकिन OTR जरूरी है। OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है, वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट otr.pariksha.nic.in से OTR नंबर प्राप्त कर लें। OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपके पास OTR होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जो मेन बातें हैं इस विज्ञापन की, मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे क्या आवेदन करना है। यहां पे पूरी ये जानकारी दी गई हुई है, ठीक है, OTR कैसे करना है ये भी सब। और इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं वही बताता हूँ आप लोगों को। इसमें आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क आपका अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उसका 125 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 65 रुपये, OBC का भी 125 ही है, ठीक है। दिव्यांगजन का 25 है, और भूतपूर्व सैनिक का 65 है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार। तो इसमें आपको प्री और मेंस का एग्जाम होगा, ठीक है, उस पर मेरिट के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे वर्तमान में सहायक नगर नियोजक पद की कुल रिक्तियाँ जो हैं वो 24 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी जो हैं वो 24 हैं। परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट बढ़ भी सकती हैं। कुल रिक्तियाँ 24 हैं, अनारक्षित 11 हैं, और अनुसूचित जाति की 5, अन्य पिछड़ा वर्ग की 6, ठीक है। और बाकी यहाँ पे दी गई हैं EWS की 2, भूतपूर्व सैनिक की 1, महिला की 4। इसके अलावा पद की प्रकृति समूह खा राजपत्रित है, और पे लेवल मैट्रिक्स वेतनमान जो है आपका पे लेवल मैट्रिक्स 10, और यहाँ पे 15,600 से 39,100 ग्रेड पे 5,400, ठीक है। और आरक्षण, यहाँ पे आरक्षण की बात लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं अगर इसमें आरक्षण आप लोगों को चाहिए। और इसके अलावा बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की, तो पद हेतु अर्हता निम्नवत है, यहाँ पे लिखी हुई है। अनिवार्य अर्हताएं जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नगर एवं ग्राम नियोजन में उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा, या निम्न संस्थाओं में से कम किसी एक संस्था की निम्न संस्था की एसोसिएट सदस्यता का इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स इंडिया खा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स लंदन, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया या लंदन या अमेरिका की सदस्यता के लिए समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। इसके लिए कुछ यहाँ पे ये टेबल दी गई है, इसमें विभाग का नाम और पाठ्यक्रम और मान्यता ये सब कुछ दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 1 जुलाई 2023 को 24 वर्ष, और अधिकतम आयु 55 वर्ष, ठीक है, अधिकतम आयु 55 वर्ष मांगी गई है, इतनी है। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोग एलिजिबल हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट सूचनाएं दी गई हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। मैं वही बातें बताने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, और OMR वगैरह की सबकी जानकारी दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे कैसे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करने हैं ये सब फॉर्मेट दिया गया है। और आगे चलते हैं तो सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए, ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस यहाँ पे दी गया है। परिशिष्ट 3 में प्रारंभिक परीक्षा परीक्षा योजना दी गई है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, ये देखिए, खंड का में सामान्य अध्ययन आएगा, खंड खा में नगर एवं ग्राम नियोजन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 प्रश्नों की संख्या होगी,
ठीक है। और इसके अलावा मुख्य परीक्षा होगी आप लोगों की, इसमें आएगा सामान्य हिंदी एवं निबंध, सामान्य हिंदी आएगी और निबंध आएगा, ठीक है। तो ये इसके अलावा पूरा सिलेबस जो है वो डिटेल में करके लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग डिटेल में पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, ठीक है। तो ये हो गई पूरी जानकारी, 5 पेज का ये नोटिफिकेशन है। तो बस यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी मैंने आप लोगों को भी यहाँ पे बता दी, ठीक है। अगर आप लोग इसमें एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिए इसमें। ऐसे और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।